गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। सो बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया ब्लॉग आ रहा है। वो बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है मेरा लाइफ का और पूरा मेरे फैमिली का। तो आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता, तो उसके बाद मेरा 2-3 दिन का ट्रिप है। वहाँ पे कुछ काम वगैरह है, वो सब तो ब्लॉग में नहीं उठा सकता हूँ, मेरा पर्सनल काम है। फिर उसके बाद आएगा जो सरप्राइज ब्लॉग है वो। तो आज मैं जा रहा हूँ अकेला कोलकाता। फ्लाइट अभी बज रहे हैं 5:12 बजे और मैं आज अकेले जा रहा हूँ। और मामोन इधर मेरे लिए रो रहा है क्योंकि उसको हम साथ में नहीं ले रहे। और मेरा पैकिंग वगैरह हो चुका है, बैग भी रेडी है। तो थोड़ी देर में उबेर आ जाएगा क्योंकि हम अभी अकेले जा रहे हैं, कोई छोड़ने के लिए है नहीं मेरे साथ। तो उबेर में चला जाऊंगा। चलिए निकलते हैं और सबको बाय बाय करके एयरपोर्ट चलते। अभी निकल रहा हूँ और मामोन कैमरा पकड़ा हुआ है। चलिए सबको एक बार बाय बाय देते हैं। बाय से बाय। और मैं अभी एयरपोर्ट चलता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं और नीचे उबेर भी आ चुका है। चलिए रास्ते में मिलता हूँ। तो बाय। मामोन आ रहा है 7 तारीख मॉर्निंग। तो ये सच नहीं है, क्यों सस्पेंस क्यों? हाँ, टिकट कटा हुआ है ना। चलो बाबा बाय। तो उबेर भी आ चुका है और मैं भी जाता हूँ अभी। बाय बाय, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आप सब जानते ही है, वो तो बोला ही है कि मैं आज जाने वाली हूँ, वो पहले ही चला गया है। तो आज 7 तारीख है, आज मेरा फ्लाइट है कोलकाता। तो कोलकाता हम लोग जा रहे हैं। सो सुबह अभी बजा है 5, तो हम लोग अभी 5 बजे रेडी हो गए क्योंकि मेरा फ्लाइट है 7:45 को। तो मैं बैकग्राउंड देख के आपको थोड़ा चेंज लग रहा है, कहाँ से मैं बोल रही हूँ, मैं अपने घर से बोल रही हूँ। तो ये है मम्मी, दोनों मम्मी रेडी हो गया और पापा भी रेडी हो गए, सब लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। एंड वहाँ पे एक कुछ गड़बड़ हो गया, हम लोग का ड्राइवर अभी तक नहीं आया है। तो कुछ कोई नहीं आने से ड्राइवर मेरा अंकल लेके जाएगा। तो चलो चलते हैं। आज मेरा एक नर्वस एक एक्साइटमेंट दोनों लेके मैं जा रही हूँ, क्योंकि नर्वस एक बात के लिए है क्योंकि मैं आज अकेले सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और कभी मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया है, कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया है इतना दूर। तो एक्साइटमेंट भी है उससे मिलना, कि उससे मिलूंगी 4-5 दिन के बाद। सो वो मुझे कोलकाता एयरपोर्ट में लेने आएगा। और चलिए, ये पापा सब लोग को देख लीजिए, वो लोग सुबह सुबह उठ के रेडी, मेरे लिए इतना कष्ट लिया। तो चलो, गणेश जी का नाम लेके हम लोग निकलते हैं। तो ये बैग पूरा रेडी, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ किंतु बैग बहुत बड़ा है। तो चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा है। अभी 5 बजे तो मैं रेडी पूरा पूरी निकल गई हूँ, पर अभी 5:15 के ऊपर हो गया है, मेरा 7:45, फिर भी टाइम है मेरे पास। तो मैं लाइट में आ जाती हूँ कैमरा, वहाँ पे बहुत अंधेरा है। तो बहुत ठंडा है, सुबह का फ्लाइट बहुत टफ है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड सुबह का फ्लाइट विदाउट हिम, इट्स लाइक मुझे, मैं पूरा पूरी अभी भी नर्वस के साथ कैमरा लेके आप लोग के साथ बात कर रही हूँ, वही बहुत है मेरा। मैं फ़ोन अभी पकड़ भी नहीं सक रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है ठंडे के लिए। बाहर बहुत ठंड है और ये देखिए कार रेडी है, और जैसा मैंने बोला है ड्राइवर ने पूरा एकदम रायता फैला दिया है, ड्राइवर नहीं आ रहा है। तो अंकल लेके जाएगा। और ये सब देखिए ठंडे के सब लोग रेडी, स्वेटर वेटर पहन के। चलो निकलते। एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, बहुत डर डर के पहुंची हूँ क्योंकि मेरा अंकल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, और ड्राइवर भी नहीं आया, तो इसलिए। तो ये सब पापा मम्मी सब मेरा लगेज निकाल रहा है, और चिड़िया का आवाज़ सुन रहे हो आप लोग। तो ये एयरपोर्ट है। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ कोलकाता में, जो कि आप लोगों को बोला था, मैं लास्ट वीडियो में बनाया था कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। उसके बाद 3-4 दिन मेरा काम था, तो अभी मेरा काम वगैरह खत्म करके कल रात को मैं फिर से हावड़ा पहुँच गया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ हुआ, तो उसके भी वीडियो निकल के पापा को ऑफ करके बाय बाय करके
लंच के बाद ही हम लोग आज के लिए पुणे निकलेगा, और कल है मंडे, हम लोग का बिग डे, सरप्राइज डे। देखते हैं कल का क्या दिन जैसा कैसा जाता है, आप लोग देखते रहिएगा और अपडेट मिलता रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज वो दिन आ गया, फाइनली हम जा रहे हैं अपना प्रीमियम गाड़ी लेने, जो कि थोड़ी देर में ही वीडियो आपको मिल जाएगा, डिलीवरी वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उबेर में अपना रूम से OSL प्रेस्टीजियस BMW। तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी मैं हूँ, साथ में मामून भी है, पूरा रेडियो के तैयार है मेरे साथ, और साथ में मेरा ऋतिक भैया भी आया है क्योंकि वो मेरे साथ जाएगा बाय रोड, क्योंकि मैं अकेले इतना दूर ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो देखते हैं, अभी चलिए आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। কংগ্রেচুলেশন স্যার।
आवाज भी चलू नहीं। बंद करी এইটা ধরে নিতে হবে। যা বসো। কিটা যাইন রাখি তাহলে। হ্যাঁ বাই, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ না तो फाइनली डिलीवरी हो चुका है। अभी गाड़ी उतर के फिर हम लोग थोड़ा इधर घूमेंगे, फिर थोड़ा बहुत कुछ कुछ यहाँ पे काम होना बाकी था, क्योंकि टाइम के लिए हमको थोड़ा जल्दी लेना पड़ा। तो चलिए गाड़ी को उतरते हैं, मामून साइड में बैठेगा और क्या क्या होता है चलिए देखते हैं आगे। बसो बसो। हाँ हाँ ओ कवर। फाइनली दिस इज योर्स। थैंक यू थैंक यू। একমাত্র তোমার জন্যই হলো। আর মনে আছে ওই এক বছর আগের কথাটা? একদম সেই ইয়েতে দেখা হয়েছিল আমাদের, দেখা হয়েছিল এই ইভেন্টে। ইভেন্টে তো তখন গ্রিনউড রিসর্ট, খানাপাড়া রিসর্টে খানাপাড়া। তো তখন আমি ব্লগ করছিলাম আর মনোজিতা বলছিল তুমি নিয়ে নাও, আমি বললাম না এটা আমার পক্ষে সম্ভব না, এক্স ওয়ান দেখবো। বাট ফাইনালি এক্স ওয়ান থেকে আমাকে এক্স থ্রিতে আপগ্রেড করালো আর ফাইনালি হয়ে গেল। মেনি মোর টু কাম। হ্যাঁ হ্যাঁ তো গাড়ির ফার্স্ট ড্রাইভ, দাদা এখান থেকে অল্প নামিয়ে দিবে। তুমি বসো আমি ওদিক দিয়ে আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ পরে কথা কব। তো দাদা হ্যাপি হো? হ্যাপি হ্যাপি। मेरा फास्ट करिए, आप ड्राइव कर रहे हैं जी? हां तो नीचे नामाय तो से। अच्छा ठीक है सर। तो देखो गाड़ी से निकालना ही पड़ता है सर। हां यहां थोड़ा टफ है ना। ठीक ठीक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। फिर आपकी गाड़ी आप चलाइए। हाँ बहुत दिन का बाद, लेकिन सर कितना दिन हो गया। बहुत दिन से लगा हुआ था ना इस गाड़ी के लिए। ना बार गए आप लोगों के आए। ठीक ठीक दिस इज योर कार है, फर्स्ट BMW एंड मेनी मोर टू कम है, डेफिनेटली नॉट द एंड। ओके सो प्रथम থেকে শুরু থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে তোমার হোম পেজ, ঠিক আছে? এখন এই মুহূর্তে পার্কে আছে, পি দেখা যাচ্ছে এখানে। তোমাকে এই যে এই আনলক বাটন আছে, আনলক বাটনটাকে প্রেস করে, ব্রেক প্রেস করে তোমাকে তো ইয়েতে ড্রাইভে নিয়ে আসতে হবে। ড্রাইভে নিয়ে আসো, সিম্পল, ঠিক আছে? চলো এবার জাস্ট তুমি ব্রেকটা ছাড়লেই কার রোল করতে স্টার্ট করবে। फाइनली BMW में ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे।
और ये रहा शोरूम, ये रहा शोरूम इतना, और दिस इज ब्रेक मेरे चेष्टा करो तुम्हारा न्यू कर है, तुम बोलो अभी बात यही है कि BMW है तो पहला राइड हमेशा थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है इंसान इमोशन के लिए या क्या सब कुछ मिला के कार भी ऐसा है और इमोशन तो है ही अगर इमोशन नहीं होता तो आज शायद कुछ और होता लेकिन BMW नहीं होता इमोशन है इसीलिए आज BMW है कलर इज ऑसम साउंड ही चला गया प्रशंजित घोष का नर्वस टू मच कैसी फटाफट तुम्हारा ढाल बिस्टिर जल पड़े पड़े जाओ কত বড় না এটা ওদিন গাছে চড়ছিল এটার মধ্যে তো দাদা
अंकल आनलाम पार्टी दिमु पूजा टा शेष करू का पूजा टा शेष हो जाक देवो थैंक यू है तो चला चला आसलम हाँ फटे फटे मामन हाँ এই যে মামন ফাটা ফাটা আমি কতটা নিয়ে আসো गणपति बाप्पा मोरिया जय 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 नष्ट करबी ना तो पूरा भीतरटा देखा हो भीतरटा रिफिल लगा दिले पूजा करते हां भीतर से करते कोइसे करते वो कोइसे ओई ते जी जानते ही गला लगा एकु बस ठीक है Bye.